अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल एचआर मैकमास्टर ने चुनिंदा आतंकी समूहों को निशाना बनाने पर पाकिस्तानी नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान को कूटनीति का इस्तेमाल करना चाहिए न कि छद्म रवैये का। चीन ने दलाई लामा की हालिया अरुणाचल प्रदेश यात्रा के कारण भारत चीन संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ने की बात कही। साथ ही पुरजोर शब्दों में कहा कि भारत को तिब्बती आध्यात्मिक नेता का इस्तेमाल बीजिंग के हितों को कमजोर करने के लिए नहीं करना चाहिए। दावा किया गया है कि शुक्रवार को लाहौर में हुई पुलिसिया कार्रवाई से हिरासत में ली गई एक लड़की हैदराबाद सिंध से लापता हुई नौरीन लकारी है। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नौरीन लकारी तथाकथित इस्लामिक स्टेट में शामिल होकर 2 महीने सीरिया में गुजार चुकी है। बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच के एक विश्लेषक ने कहा कि वर्ष 2019 के चुनाव से पहले किसानों की ऋण माफी राजकोषीय और ब्याज दर में जोखिम खड़ा करने वाली है। इससे कर्ज व्यवसाय की संस्कृति प्रभावित होती है। कंपनी का अनुमान है कि ये माफी जीडीपी के करीब 2% के बराबर बैठेगी। तुर्की के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने संसदीय शासन प्रणाली और राष्ट्रपति शासन प्रणाली को लेकर हुए जनमत संग्रह के नतीजों का ऐलान कर दिया। पीएम बिनाली इल्दिरिम ने राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की शक्तियों में विस्तार को लेकर हुए जनमत संग्रह में हां खेमे की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि देश ने लोकतंत्र का एक नया अध्याय खोला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान अपने फैंस को सरप्राइज देंगे। वो अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। इस एप्लीकेशन के जरिए शाहरुख अपने फैंस से आसानी से जुड़ पाएंगे। कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन तैयार है, बस उसे फाइनल टच देना है। ये एप्लीकेशन 22 अप्रैल तक लॉन्च होगी। सुनने में आया है कि सलमान से उसकी बहन अर्पिता खासी नाराज चल रही है। वजह है कि अर्पिता के पति आयुष के पास अभी नई फिल्मों के ऑफर तो हैं, लेकिन सलमान के साथ अपने करियर की शुरुआत करने की चाह में आयुष अभी किसी प्रोजेक्ट को साइन नहीं कर रहे। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म नूर इस हफ्ते रिलीज होने वाली है और ऐसे में इस फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई इसी कड़ी में कपिल शर्मा शो में पहुंची सोनाक्षी एक ऑडियंस पर भड़क गई। दरअसल वो अपनी गर्लफ्रेंड के मोटापे को लेकर मजाक बना रहा था, जो कि सोनाक्षी को पसंद नहीं आया। एक्ट्रेस पूनम पांडे अपने ऐप की शुरुआत कर चुकी हैं। क्रिकेट विश्व कप के दौरान अपने एक विवादास्पद बयान के बाद पूनम ने कहा कि रेजर कॉर्प और मेरी एजेंसी ने मुझे इस ऐप को बनाने के विचार पर संपर्क किया, इसलिए मैंने ये चुनौती स्वीकार की। बॉलीवुड में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिख चुके राइटर जावेद अख्तर हनुमान द दमदार में एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। एनिमेटेड कैरेक्टर वाल्मीकि के लिए जावेद अपनी आवाज देने जा रहे हैं। फिल्म की कहानी जावेद के नरेशन में दिखाई जाएंगी। हनुमान द दमदार 19 मई को रिलीज हो रही है।